रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आज फिर जारी हुई तूफान की तबाही की चेतावनी, जानिए कब और कहां। नई दिल्ली, दो दिन पहले आए विनाशकारी तूफान ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक तबाही मचाई। लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए तूफान से पल भर में 100 से अधिक लोगों ने इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवाई। अचानक से आई इस आफत ने चारों तरफ सड़कों पर पेड़, होर्डिंग्स और यहां तक घर की दीवारों और छतों को भी नहीं बख्शा। यूपी के आगरा के बाद तूफान से सर्वाधिक नुकसान राजस्थान में देखने को मिला। समाचार एजेंसी ANI की माने तो शुक्रवार को एक बार फिर से तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर आज फिर सतर्क रहने को कहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तूफान पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर से तबाही की दस्तक दे सकता है। इसके साथ साथ केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। तूफान आने के साथ तेज बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। इसके साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तेज हवाओं के तूफान बनने का कारण मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंडी हवाएं तूफान का रूप लेती हैं, जिसकी वजह डाउनबर्स्ट है। डाउनवर्ड एयर मूवमेंट तेज चलने वाली हवाओं को 100 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा इससे भी अधिक में बदल देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डाउनवर्ड हवा तेजी से जमीन में टकराकर बाहरी तरफ धक्का मारती है। हालांकि इसका मूवमेंट 200 तक चलने के बाद शांत भी हो जाता है। इस तेज हवा में मिट्टी शामिल होकर नुकसान का कारण बनती है। क्या है इसका कारण? वैज्ञानिकों की माने तो मौसम परिवर्तन, समुद्री उफान, तपती धरती, तेजी से वनों का कटना, ग्लेशियर का पिघलना और इसके साथ साथ बादलों का फटना इसकी मूल वजह है। संक्षेप में कहें तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ इन आपदाओं की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में तेज तूफान और चक्रवात की संख्या बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अमेरिका में तटवर्ती देशों में देखने को मिल रहा है, जहां वर्ष में कई बार यह आफत देखने को मिल रही है।